नमस्कार, मैं हूं अक्षयानंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति हारून रशीद को सौंप दिया है। दरअसल ललन सिंह लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और अब लोकसभा के सदस्य की शपथ लेने वाले हैं, तो उससे पहले विधान परिषद की सदस्यता को छोड़ दें, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि 30 तारीख का वो दिन तय किया गया है जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे। उनके साथ जो मंत्रिमंडल गठित होगा उसका भी शपथ ग्रहण है और अब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। मुंगेर से चुनाव लड़ा उन्होंने, 2014 में भी उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ा था, तब हार गए थे। उसके बाद विधान परिषद के टिकट पर फिर मंत्री भी बने राज्य सरकार में, जल संसाधन मंत्री। इस बार 2019 में हालात कुछ अलग रहे, अच्छी मार्जिन से ललन सिंह ने जीत हासिल की। मुंगेर से चुनाव जीतकर अब लोकसभा में पहुंचने वाले हैं। उनका मुकाबला आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी से हुआ था और मुंगेर का जो रण है वो खूब चर्चाओं में रहा था क्योंकि दो बड़े चेहरे आमने सामने थे। एक तरफ आनंद सिंह जो खुद पहले जदयू में थे, दूसरी ओर जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जिन्हें जल संसाधन मंत्री का भी पद दिया गया था। अब फेरबदल हो चुकी है, वहां से मुंगेर से वो चुनाव जीत चुके हैं तो लोकसभा जाने वाले हैं। अब आगे देखना है कि जो जगह ललन सिंह खाली कर रहे हैं, यानी कि एक विधान परिषद की सीट और जल संसाधन मंत्री का पद, उसे कौन भरता है। मगर ललन सिंह अब जल संसाधन मंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हारून रशीद जो सभापति हैं विधान परिषद के, उनसे मिलकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। आगे देखना है कि ललन सिंह लोकसभा में किस तरह से मुंगेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हर खबर हर अपडेट से आपको जोड़ रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।